झूठ बोलना, मक्कारी करना, किसी को धोखा देना गलत बात है, लेकिन तिकड़मबाजी से मेहनत करके, शैतानी दिमाग चला करके अपना काम आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। और इस कलयुग में बिना योजनाओं के, बिना अच्छे प्रोग्राम के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज हम चर्चा करेंगे राहु के प्रिय रत्न गोमेद के विषय में। गोमेद रत्न किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों का बनाता है करोड़पति अरबपति योग, जन्म कुंडली में किन स्थानों में राहु होने पर व्यक्ति को गोमेद रत्न अवश्य पहनना चाहिए, किन किन राशि वाले जातकों को गोमेद रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर राहु की स्थिति होने पर गोमेद रत्न आपको भारी नुकसान भी कर सकता है। साथियों, छल कपट से अमृत पीकर देवताओं की श्रेणी में आए राहु और केतु, राहु ग्रह का रत्न गोमेद, जो कि कलयुग में, कलयुग का मतलब सीधा सीधा है कि कलि का युग, तो यहाँ पर कलयुग में गोमेद रत्न का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गोमेद रत्न बेहद शक्तिशाली और इस कलयुग में बहुत तेजी से सफलता प्रदान करने वाला रत्न है। यंत्र मंत्र तंत्र आदि में विशेष सफलता प्राप्ति के लिए, तामसिक मंत्रों की साधना में बहुत आगे जाने के लिए गोमेद रत्न का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण चर्चा होगी, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। गोमेद रत्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि वाले जातकों को धारण करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, शुक्र, बुध और शनि के स्वामित्व वाली जो राशियां हैं वह लोग गोमेद पहन सकते हैं। कर्क, सिंह, धनु और मीन, यह राशि वाले जातक बिल्कुल भी गोमेद रत्न धारण ना करें, और गोमेद आपको यदि पहनना पड़ी गया तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही धारण करें। आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, ग्यारहवें भाव में और दसवें भाव में, ये चार जगह कहीं भी राहु विराजमान है तो गोमेद रत्न धारण करते के साथ ही आपके व्यापार को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाएगा, आपकी तरक्की के योग बनाएगा, आपके अंदर आलस्य दूर होगा, कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आप ये न केन प्रकारेण, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहते हैं, तिकड़मबाजी से अपने काम को बहुत आगे तक ले जाने में सफल हो जाओगे। राहु के 3, 6, 10 और 11वें भाव में स्थिति होने पर ये चार खाने जो आपको जहां जहां पर राहु लिखा है आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, कहीं पर भी राहु है, बेहिचक आप गोमेद रत्न पहन करके अपना करोड़पति योग बना सकते हैं, जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। साथियों, नीति आवश्यक है, थोड़े में ज़्यादा समझें, और राहु रत्न गोमेद जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई यदि आपकी कुंडली में है तो आप उनको धारण कर सकते हैं। कामना करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।